चलेगा। गुड मॉर्निंग सभी को, फटाफट रिप्लाई करो, आवाज आ रही है नहीं आ रही। कल के लास्ट टॉपिक का क्या नाम था? कल को संडे था, कल तो क्लास हुई नहीं थी, सैटरडे को क्लास हुई थी। उसके अंदर अपन ने रिटर्न नहीं करवाया था, केवल समझाया ही समझाया था। इलेक्ट्रॉनिक्स की जो 6 नंबर की क्लास थी, उस क्लास के अंदर अपन ने केवल समझाया ही समझाया था। पूरी क्लास के दौरान रिटर्न वर्क आज करना है उसका, जिसके अंदर मैंने जाल, सक्रिय जाल, निष्क्रिय जाल, नोड, संधि, लूप, पास और शाखा, इसके बारे में क्या किया था, समझाया था। ठीक है ना? तो जिसने पहले वो वाली क्लास नहीं ली तो पहले वो वाली क्लास लेना, ठीक है ना? वैसे थोड़ा बहुत आज भी मैं रिटर्न के टाइम पे भी समझाता जाऊंगा, है ना? तो पहले वो वाली क्लास लेना। ठीक है, जो भी भूल गए कोई दिक्कत नहीं है, ब्रांच क्या होती है सब आज याद आ जाएगा। ठीक है ना? चलो अपन स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो एक बार बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अपन। तो सारे के सारे बोर्ड पे ध्यान दो, सारे के सारे बोर्ड पे ध्यान दो। आज तो मुझे लगता है कई नींदों के अंदर ही होंगे, ठीक है ना? मौसम की वजह से उठे ही नहीं होंगे। ठीक है, तो सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, क्योंकि अब अपन रिटर्न में भी लिखवाएंगे परसों की जो क्लास के अंदर था, और वो मैं समझाता भी चलूंगा। ठीक है? तो चलो अपना जो पिछली क्लास के अंदर पढ़ाया था, उसके अंदर डेफिनेशन थी, और वो जो डेफिनेशन थी मैं आपको बता देता हूं। पहली डेफिनेशन थी जाल की, दूसरी डेफिनेशन थी सक्रिय जाल की। डिटेल के अंदर पिछली क्लास में सब कुछ पढ़ा दिया था, आज रिटर्न करवाना है। तीसरी डेफिनेशन थी निष्क्रिय जाल की, चौथी डेफिनेशन थी नॉड की, पांचवी डेफिनेशन थी संधि की, छठी डेफिनेशन थी लूप की, सातवीं डेफिनेशन थी पास की, और ये आठवीं डेफिनेशन थी शाखा। इसके बाद भी 7 डेफिनेशन और आएगी, इसके बाद भी 7 डेफिनेशन और आएगी ऑफलाइन क्लास के अंदर, तो अगली 7 डेफिनेशन भी हो गई। ठीक है ना? चलो स्टार्ट करते हैं अपन एक एक डेफिनेशन को। तो सारे के सारे बोर्ड पे ध्यान देना ढंग से। चलो जहां तक अपना हो चुका था रिटर्न वर्क, उसके आगे आप लोग हेडिंग लगाओ जाल। उसके आगे आप लोग हेडिंग लगाइएगा जाल। चलो इसके आगे आप लोग हेडिंग लगाइएगा जाल। अब ये मत देखो पीछे क्यों है किसी बैच में कि आगे क्यों है, उससे फर्क ऑफलाइन और ऑनलाइन का बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है? जो वर्क यहाँ 5 दिन में होता है, ऑफलाइन में 2 ही दिन में हो गया था पूरा। ठीक है? चलो ध्यान दो सारे के सारे जाल। ठीक है? सुनना, जैसे ये है हमारे पास में एक रजिस्टर, ये हमारे पास में है एक कैपेसिटर, ये हमारे पास में है इंडक्टर, ये हमारे पास में है एक डायोड, ये हमारे पास में है एक ट्रांजिस्टर। ठीक है? तो ये जो एलिमेंट्स हैं, अवयव हैं, इन अवयवों से मिलकर बना हुआ जो परिपथ है, इन अवयवों से मिलकर बना हुआ जो जटिल परिपथ है, उसे ही क्या कहते हैं अपन, जाल कहते हैं। ठीक है? उसे ही क्या कहते हैं अपन, जाल कहते हैं। तो रिटर्न करो सारे के सारे फटाफट, रिटर्न करना सारे के सारे फटाफट। चलो लिखते चलो, लिखना जाल के अंदर विभिन्न चालक अवयव, विभिन्न चालक अवयव, विभिन्न चालक अवयव, प्रतिरोध, लिखो प्रतिरोध, कौमा संधारित्र, फिर कौमा लगा के लिखना संधारित्र, कौमा कुंडली,
कॉमा लगा के लिखो कुंडली, कॉमा डायोड, कॉमा लगा के लिखो डायोड, कॉमा ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर, आदि से निर्मित, आदि से निर्मित, आदि से निर्मित, सक्रिय परिपथ को, सॉरी आदि से निर्मित जटिल परिपथ को, आदि से निर्मित जटिल परिपथ को जाल कहते हैं, जाल कहते हैं। जाल कहते हैं। लिखना आगे लाइन और पैराग्राफ चेंज करके। जाल दो प्रकार के होते हैं, जाल दो प्रकार के होते हैं, पहला लिखना सक्रिय जाल, पहला लिखना सक्रिय जाल और दूसरा लिखना निष्क्रिय जाल, पहला लिखना सक्रिय जाल और दूसरा लिखना निष्क्रिय जाल, पहला लिखना सक्रिय जाल और दूसरा लिखना निष्क्रिय जाल, दूसरा लिखना निष्क्रिय जाल। वापस लगा लो पहला सक्रिय जाल, वापस लगा लेना फर्स्ट सक्रिय जाल, आगे लगाइएगा सक्रिय जाल फर्स्ट। अब देखो सक्रिय जाल के अंदर क्या उपस्थित है, विद्युत स्रोत, क्या उपस्थित है, विद्युत स्रोत। तो क्या डेफिनेशन होगी, ऐसा जाल जिसमें विद्युत स्रोत उपस्थित हो उसे सक्रिय जाल कहते हैं। तो सक्रिय जाल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ऐसा जाल जिसमें पावर सप्लाई हो, यानी यहाँ जो पावर सप्लाई है वो उपस्थित हो विद्युत स्रोत, उसे क्या कहेंगे, सक्रिय जाल कहेंगे। लिखो डेफिनेशन, वह जाल, वह जाल जिसमें विद्युत स्रोत उपस्थित हो, वह जाल जिसमें विद्युत स्रोत उपस्थित हो उसे सक्रिय जाल कहा जाता है, उसे सक्रिय जाल कहा जाता है, उसे सक्रिय जाल कहा जाता है। ये डायग्राम रिटर्न करो, ये डायग्राम बना लो बोर्ड पे है जो। अब रिकॉर्ड क्लास में देख लेना ना, परिभाषा ऑफिस में बोलेंगे। ये बना लो, चलो दूसरा लिखना निष्क्रिय जाल,
अब देखो निष्क्रिय जाल के अंदर क्या होगा, ये सप्लाई नहीं होगी, ये जो विद्युत स्रोत है ये उपस्थित नहीं होगा किसके अंदर, निष्क्रिय जाल के अंदर। ठीक है, तो लिखना निष्क्रिय जाल, लिखना ऐसा जाल जिसमें जिसमें ऐसा जाल जिसमें विद्युत स्रोत अनुपस्थित हो, विद्युत स्रोत अनुपस्थित हो उसे निष्क्रिय जाल कहते हैं, उसे निष्क्रिय जाल कहते हैं, उसे निष्क्रिय जाल कहते हैं। लिखवा दी जाल की डेफिनेशन, लिखवा दी सक्रिय जाल की, निष्क्रिय जाल की, ना ये बना लो, उसे निष्क्रिय जाल कहते हैं, ये बना लीजिएगा। पावर सप्लाई हटा देना तो ये निष्क्रिय जाल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो अब आ जाओ अपनी मेन डेफिनेशन के ऊपर जो काम की है, और वो डेफिनेशन है आप लोगों की, सुनना पहले एक बार डायग्राम बना देते हैं अपन, क्योंकि तो डायग्राम काम में आने वाला है, फिर देखते हैं। तो ध्यान दो ना, सारे के सारे बोर्ड पे ध्यान दो ना, नोड, संधि, लूप, पास और शाखा, इस पे चलेंगे अब सारे के सारे ना। देखो वैसे समझा दिया था पिछली क्लास में, लेकिन एक बार और आ जाएगा समझ में। चलो अरे ध्यान दीजिएगा ना, सुनना सारे के सारे, इसको ए पॉइंट दे देते हैं, इसको बी पॉइंट दे देते हैं, इसको सी दे देते हैं, इसको डी दे देते हैं, इसको एफ ई दे देते हैं, इसको एफ दे देते हैं। ठीक है, चलो इसको आर वन नाम दे देता हूं, इसको आर टू नाम दे देता हूं, इसको आर थ्री दे देता हूं, आर फोर दे देता हूं, आर फाइव दे देता हूं, आर सिक्स नाम दे देता हूं। ठीक है, अब सुनना सारे के सारे। सबसे पहले अपन बात करते हैं नोड की, सबसे पहले बात करेंगे अपन किसकी, नोड की। अब सुनो नोड क्या होता है, जहां दो या दो से अधिक सक्रिय अवयव आकर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं अपन, नोड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, नोड। बताओ इसमें कितने नोड है, पिछली क्लास में समझा रखा है मैंने, बताइएगा इसमें कितने नोड है, बताइएगा इसमें कितने नोड है सारे के सारे, फटाफट बताओ। छह, एक साथ कह रहा है, मतलब ध्यान नहीं है बराबर पिछली क्लास के अंदर। देखो सुनो, नोड वो पॉइंट है जहां दो या दो से अधिक सक्रिय अवयव आकर मिलते हैं उसे नोड कहते हैं। अब काउंट करते हैं अपना, जाओ इस पर कितने सक्रिय पॉइंट मिल रहे हैं, कितने सक्रिय अवयव मिल रहे हैं, दो, R1 और E। ठीक है, तो ये नोड है।
ये लीजिएगा, ये नोड है। चलो आ जाओ, इस पर कितने मिल रखे हैं? तीन, एक दो तीन, यानी R1, R2 और R4, तो ये भी क्या है? नोड है। C पर देखो कितने मिल रखे हैं? दो, R2 और R3, तो C भी क्या है? नोड है। D पर देखो कितने मिल रखे हैं? D पर मिल रखे हैं दो, R3 और R5, तो D भी क्या है? आपका नोड पॉइंट है। E पे देखो कितने मिल रखे हैं? E पे मिल रखे हैं आपके कितने? तीन, R5, R4, R6, ये हो गया E पे मिलने वाले। और F पर कितने मिल रहे हैं? दो, R6 और E, ये लो F पर मिलने वाले। तो टोटल कितने हो गए? एक दो तीन चार पांच छह, तो टोटल नोड कितने हो गए? छह हो गए। कितने हो गए? छह हो गए। अब जिन्होंने सात रिप्लाई दिया है वो देख लो उनका गलत हो गया, जिन्होंने सात रिप्लाई दिया है वो देख लेना गलत हो गया। नहीं, यहां से कोई इश्यू नहीं है, सही है यहां से, तो ठीक है। चलो देखो इसके अंदर पहली डेफिनेशन लगाओ नोड। पहली डेफिनेशन लगानी है मतलब आगे जहां तक हो गया है निष्क्रिय जाल, उसके आगे डेफिनेशन लगाओ चेंज करके लाइन पैराग्राफ नोड, और नोड के अंदर लिखो, अभी कुछ नहीं उतारना, केवल नोड के अंदर लिखना है। लिखना किसी भी जाल का वह बिंदु, किसी भी जाल का वह बिंदु, किसी भी जाल का वह बिंदु जहां दो या दो से अधिक, जहां दो या दो से अधिक अवयव जुड़ते हैं, अवयव जुड़ते हैं, नोड कहलाता है। अवयव जुड़ते हैं, नोड कहलाता है, नोड कहलाता है। इसे स्मॉल एन से व्यक्त करते हैं, इसे स्मॉल एन से व्यक्त करते हैं। नोड का फर्स्ट लेटर एन होगा तो इसे स्मॉल एन से व्यक्त करते हैं, ठीक है, इसे स्मॉल एन से व्यक्त करते हैं। चलो आगे लो, अगली डेफिनेशन लगाओ संधि। पहले डेफिनेशन सारे लिखेंगे फिर डायग्राम से। अगली डेफिनेशन लगाना संधि। हाँ जी, संधि की कहानी क्या है? जहां तीन या तीन से अधिक अवयव आकर मिलते हैं, तो तीन अवयव किस किस पे आके मिल रहे हैं बताओ, कौन कौन से पॉइंट है इसके अंदर तीन अवयव आकर मिल रहे हैं, फटाफट रिप्लाई करके बताइएगा, कौन कौन से पॉइंट है जहां तीन या तीन से अधिक सक्रिय अवयव आकर मिल रहे हैं। BE, यानी समझ गए आप लोग B और E पर क्या है, तीन या तीन से अधिक पॉइंट आकर मिल रहे हैं, ठीक है। चलो ध्यान दो, जानते हो आप लोग, मतलब पिछली क्लास आप लोगों ने ले रखी है। B पे देखो कितने सक्रिय अवयव मिल रहे हैं, तीन, एक दो तीन, और E पर देखो कितने सक्रिय अवयव मिल रहे हैं, तीन, एक दो और तीन, ठीक है। तो ये दोनों संधि है, बाकी सारे क्या है? नोड है। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कि भाई ये B एंड E ये संधि है, और टोटल संधि कितनी हो गई? दो। टोटल संधि कितनी हो गई? दो हो गई। कितनी हो गई? दो हो गई, ठीक है। चलो टोटल संधि कितनी हो गई? दो हो गई। चलो आगे चलते हैं अपन, चले चलो नॉट पॉइंट लगा के लिखो, नोड पॉइंट लगा के लिखना, सभी संधि नोड हैं, सभी संधि नोड हैं, परंतु परंतु सभी नोड का संधि होना जरूरी नहीं है, सभी नोड का संधि होना जरूरी नहीं है, सभी नोड का संधि होना जरूरी नहीं है, सभी नोड का संधि होना जरूरी नहीं है। अच्छा डेफिनेशन नहीं लिखवाई क्या? ओहो ओहो, ध्यान नहीं रहा, सॉरी, संधि की डेफिनेशन लिखो। संधि की डेफिनेशन लिखना, किसी भी जाल का वह बिंदु, किसी भी जाल का वह बिंदु जहां तीन या तीन से अधिक अवयव जुड़ते हैं, सॉरी है ना, पर ध्यान नहीं रहा, मुझे लगा लिखवा, किसी भी जाल का वह बिंदु
जहां तीन या तीन से अधिक अवयव मिलते हैं, जहां तीन या तीन से अधिक अवयव मिलते हैं उसे नोड कहते हैं, उसे नोड कहते हैं। इसे स्मॉल जे से व्यक्त करते हैं, इसे स्मॉल जे से व्यक्त करते हैं, इसे स्मॉल जे से व्यक्त करते हैं। तीन या तीन से अधिक अवयव जुड़ते हैं उसे संधि कहते हैं, इसे स्मॉल जे से व्यक्त करते हैं, संधि कहते हैं, इसे स्मॉल जे से व्यक्त करते हैं। ठीक है, चल ये लिखना नहीं है अभी, ठीक है ना, केवल डेफिनेशन लिखनी थी। अब यहां से सब क्लियर है? अरे किसी को वॉइस प्रॉब्लम आ रही है? नहीं आ रही, यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट नेट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। तुम्हारे वहां की प्रॉब्लम हो सकती है, यहां से बिल्कुल सही है, यहां से बिल्कुल सही है, यहां से इश्यू नहीं है ना, कोई इश्यू नहीं है, सब मना कर देना। चलो नोट पॉइंट लगा के लिखना, सभी नोट पॉइंट लगा के लिखो, सभी संधि नोड है, सभी संधि नोड हैं, परंतु सभी नोड का संधि होना आवश्यक नहीं है। सभी संधि नोड हैं, परंतु सभी नोड का संधि होना आवश्यक नहीं है, सभी नोड का संधि होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, चलो अगली डेफिनेशन लगाना आप लोग, लूप। अगली डेफिनेशन लगाना आप लोग, लूप। हाँ जी, उल्टा लिखवा दिया क्या? सही तो लिखवाया क्या? सभी संधि नोड हैं, परंतु सभी नोड का संधि होना आवश्यक नहीं है। सही तो लिखवाया क्या भाई? यही लिखवाया ना, सभी संधि नोड हैं, परंतु सभी नोड का संधि होना आवश्यक नहीं है। सही तो लिखवाया है भाई टेक्नो? डायग्राम बनवाएंगे लास्ट में, ठीक है? चलो आगे लिखो, आगे लिखो रे, अगली हेडिंग लगाओ लूप। अगली हेडिंग लगाना लूप। लूप क्या होता है? परिपथ में एक बंद पथ को क्या कहते हैं? लूप कहते हैं। तो लिखो पहले ना, परिपथ में एक बंद पथ को लूप कहते हैं, परिपथ में एक बंद पथ को लूप कहते हैं, परिपथ में एक बंद पथ को लूप कहते हैं। इसे स्मॉल एल से व्यक्त करते हैं, इसे स्मॉल एल से व्यक्त करते हैं, इसे स्मॉल एल से व्यक्त करते हैं। चलो रे, आ जाओ फटाफट। हाँ जी, बताइएगा इसमें कितने लूप हैं, इस डायग्राम के अंदर कितने लूप हैं, कितने लूप हैं रे? पहले पढ़ा चुके अपन, कितने लूप हैं इसके अंदर? इसके अंदर तीन लूप हैं। चलो आ जाओ, तीन लूप कौन कौन से हैं? एक तो है ए बी ई एफ ए, ए बी ई एफ ए, परिपथ में एक बंद पथ को लूप कहते हैं। तो ये एक बंद पथ है ए बी ई एफ ए, ठीक है ना? चलो कॉमा, अगर मैं इसकी बात करूं बी सी डी ई बी, तो ये भी बंद पथ है,
बी सी डी ई बी, ये भी एक बंद पथ है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पूरा भी तो एक बंद पथ है, तो ए सी डी एफ ए, ये हो गया ए सी डी एफ ए। तो भाई साहब इसके अंदर कितने लूप हो गए? तीन। कितने लूप हो गए? तीन। तो परिपथ में एक बंद पथ को लूप कहते हैं, इसे स्मॉल एल से व्यक्त करते हैं। अगली हेडिंग लगाओ पास। नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा पास। पास इधर ले लेता हूं। पास, पास क्या होता है? सुनना, लूप का वह छोटे से छोटा भाग जिसमें कोई अन्य लूप उपस्थित ना हो। अब सुनो, ये एक लूप है ए बी ई एफ ए, क्या इसके अंदर कोई लूप है? अरे ये पहले नंबर का जो लूप है ना, ये वाला ए बी ई एफ ए, क्या इसके अंदर कोई लूप है? नहीं है। तो इसके अंदर कोई लूप नहीं है, तो ये एक पास हो गया। तो ए बी ई एफ ए, ये क्या हो गया? एक पास हो गया। क्या हो गया? ये एक पास हो गया, ठीक है ना? क्या हो गया? ये एक पास हो गया। अब आ जाओ इसके अंदर, देखो बी सी डी ई बी, इसके अंदर कोई और अन्य लूप है? नहीं है। तो ये भी क्या हो गया? एक पास हो गया। तो बी सी डी ई बी, ठीक है, ये भी क्या हो गया? एक पास हो गया। अब इस बड़े वाले को देखो, ए सी डी एफ ए, इसके अंदर कितने लूप हैं? दो लूप है ना, एक ये वाला एक ये वाला। इस बड़े के अंदर, बड़े लूप में दो लूप हैं, तो ये पास नहीं है। तो नंबर ऑफ पास कितने हो गए इसके अंदर? दो हो गए। नंबर ऑफ पास कितने हो गए इसके अंदर? दो हो गए। नंबर ऑफ पास कितने हो गए इसके अंदर? दो हो गए, ठीक है, क्लियर? हाँ जी। लिखो पास की डेफिनेशन, लिखना वह छोटे से छोटा लूप, वह छोटे से छोटा लूप जिसके अंदर कोई अन्य लूप न हो। वह छोटे से छोटा लूप जिसके अंदर कोई अन्य लूप न हो, जिसके अंदर कोई अन्य लूप न हो, उसे पास कहते हैं, उसे पास कहते हैं, इसे स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। मेस बोलते हैं ना, मेस, इसे स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं, इसे स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं, इसे स्मॉल एफ, सॉरी स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। चलो आ जाओ, सुनो, ये रहे सभी पास। तो सभी पास लूप हैं, ये दोनों लूप है ना, पर ये वाला लूप पास नहीं है। तो नोट पॉइंट क्या बनेगा? सभी पास लूप हैं, परंतु सभी लूप का पास होना जरूरी नहीं है। सभी पास लूप हैं, परंतु सभी लूप का पास होना जरूरी नहीं है। तो नोट पॉइंट लगा के लिखो, सभी पास लूप हैं, सभी पास लूप हैं, परंतु सभी लूप का पास होना आवश्यक नहीं है। सभी लूप पास हैं, सॉरी सभी पास लूप हैं, सभी पास लूप हैं, परंतु सभी पास का लूप होना आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं है। और लास्ट डेफिनेशन बचती है शाखा की। लास्ट डेफिनेशन बचती है शाखा की। तो शाखा क्या होती है? सुनना, दो नोड के बीच जो सक्रिय अवयव होता है ना, उसे ही क्या कहते हैं? शाखा। जैसे ये दो नोड हैं, इनके बीच ये सक्रिय अवयव क्या कहलाएगा? शाखा। ये भी शाखा,
ये दो नोड के बीच में एक शाखा ये आ गई, दो नोड के बीच में एक शाखा ये आ गई, दो नोड के बीच में एक शाखा ये आ गई, दो नोड के बीच में एक शाखा ये आ गई, दो नोड के बीच में एक शाखा ये आ गई। तो टोटल शाखा कितनी हो गई? सात हो गई, एक दो तीन चार पांच छ और सात। तो मैं लिख सकता हूं शाखा कितनी है इधर, इसमें सात है, और वो सात शाखा कौन कौन सी है थोड़ा ऊपर कर देते हैं अपन इसे, आप लोगों को पता है, ओहो ए बी बी सी सी डी, फिर इसके बाद में डी ई बी ई ई एफ और ए एफ, ये सभी क्या है शाखा, एक दो तीन चार पांच छह सात, ये सभी की सभी क्या हो गई शाखा हो गई, ये सभी की सभी क्या हो गई शाखा हो गई, ये सारी की सारी क्या हो गई शाखा हो गई। ठीक है चलो, अब आपको क्या करना है सुनना, सारे के सारे ढंग से सुनना भाई, कौन सी डेफिनेशन गलत है फटाफट बोल, कौन सी डेफिनेशन गलत है फटाफट रिप्लाई करना। एक ने मैसेज किया है डेफिनेशन गलत है, बता भाई मुझे कौन सी डेफिनेशन गलत है, ब्रांच की डेफिनेशन लिखवाएंगे ना, लास्ट का नोट, लास्ट के नोट में गलती लिखवा दी क्या, यही तो लिखवाया है सभी पास लूप है, परंतु सभी लूप का पास होना आवश्यक नहीं है, यही तो लिखवाया है सभी पास लूप है परंतु सभी लूप का पास होना आवश्यक नहीं है। All loop not pass. यही तो लिखवाया था मैंने, तुम्हारा ध्यान नहीं है, सभी पास लूप है सभी लूप का पास होना आवश्यक नहीं है, ये लिखवाया था मैंने। सबने सही लिखा है, सबका तो यही आ रहा है। ठीक है हाँ जी लिखो, ब्रांच की डेफिनेशन लिखवानी है ना, लिखो बस, अब एप्लीकेशन पे स्टार्ट करेंगे एक दो दिन के अंदर। हाँ जी ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन लिखना शाखा की, नेक्स्ट डेफिनेशन लिखना शाखा की, किन्हीं दो नोड के बीच, किन्हीं दो नोड के बीच उपस्थित, किन्हीं दो नोड के बीच उपस्थित सक्रिय अवयव को, किन्हीं दो नोड के बीच उपस्थित सक्रिय अवयव को शाखा कहते हैं, शाखा कहते हैं, इसे स्मॉल बी से व्यक्त करते हैं, इसे स्मॉल बी से व्यक्त करते हैं, इसे स्मॉल बी से व्यक्त करते हैं, स्मॉल बी से व्यक्त करते हैं, इसे स्मॉल बी से व्यक्त करते हैं। ठीक है चलो, अब क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले ये डायग्राम बनाओगे, सबसे पहले ये डायग्राम बनाओगे, फिर इसके बाद में लिखोगे परिपथ से नोड छह लगाओगे, छह के छह नोड लिखोगे, फिर संधि दो, दो की दो संधि उतारोगे, लूप तीन, तीन के तीन लूप उतारोगे, पास दो, सारे के सारे पास दिखाओगे, शाखा सात, सारी की सारी शाखा लिखोगे। डायग्राम बनाओ ऐसे कैसे, पूरा का पूरा छाप लो फटाफट, ऐसे कैसे पूरा का पूरा छाप लो डायग्राम बना के। ठीक है पूरा कंप्लीट करो फटाफट डायग्राम बना के।
चलेगा। उतार लिए यहां तक इसे, ठीक है, यहां तक आप लोगों ने इसे कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है ना। तो ये आपके सात डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। अब सात डेफिनेशन और बचती है, फिर इसके बाद में डेफिनेशन वाला पार्ट पूरा क्या हो जाएगा आपका, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे करेंगे अपन कल, ठीक है।